यूक्रेन और रूस के बीच चल रही जंग की वजह से यूक्रेन में फंसे भारतीयों का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। चीफ जस्टिस एनवी रमन्ना ने इस मामले पर अटॉर्नी जनरल को कोर्ट में तलब किया। कोर्ट में सीजेआई ने याचिकाकर्ता से ये भी पूछा कि आखिर इस मामले में कोर्ट क्या कर सकता है। सीजेआई ने कहा कि क्या हम पुतिन से युद्ध रोकने के लिए कह सकते हैं। हालांकि सीजेआई ने बाद में कहा कि ये जरूरी मुद्दा है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को कहा कि रोमानिया बॉर्डर पर फंसे छात्रों को निकालने के लिए कदम उठाए जाएं। बता दें कि याचिका में कहा गया था कि यूक्रेन के मोल्डोवा और रोमानिया बॉर्डर पर करीब 250 छात्र फंसे हुए हैं। कहा गया कि पिछले 6 दिनों से वहां भारत की तरफ से कोई फ्लाइट नहीं गई है। ये याचिका उन परिवारों ने दायर की है जिनके बच्चे यूक्रेन में फंसे हुए हैं। फंसे छात्रों के परिवार वालों की तरफ से इस याचिका को एडवोकेट एएम डार ने दायर किया है। सीजेआई ने कहा कि मामले पर सुनवाई जरूरी है क्योंकि इसके लिए एडवोकेट डार कश्मीर से आए हैं। इस मामले पर याचिकाकर्ता वकील ने कहा कि यूक्रेन में इस वक्त -60 डिग्री का टेम्परेचर चल रहा है। कोर्ट भारतीय विदेश मंत्रालय को वहां फंसे लोगों को राहत मुहैया कराने का निर्देश दे। इस पर सीजेआई ने कहा कि हम इस मामले पर क्या कर सकते हैं। कल को आप कहोगे कि पुतिन को निर्देश जारी करें। सीजेआई ने कहा कि क्या हम पुतिन से युद्ध रोकने के लिए कह सकते हैं। छात्रों के साथ हमारी पूरी सहानुभूति और चिंता है, लेकिन भारत सरकार अपना काम कर रही है। जल्दी सुनवाई की गुहार पर सीजेआई जस्टिस एनवी रमन्ना ने कहा कि हम अटॉर्नी जनरल को तलब कर रहे हैं। फिर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल जब कोर्ट में पेश हुए तो उन्होंने बताया कि फंसे छात्रों के मसले पर पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की दोनों से बात की है। सुनवाई के दौरान एडवोकेट डार ने बताया कि फंसे हुए छात्र ओडेसा की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी के छात्र हैं। कहा गया कि इनकी संख्या करीब 250 है जो यूक्रेन का बॉर्डर क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने बताया कि भारत सरकार ने फंसे छात्रों को निकालने में मदद के लिए 4 मंत्रियों को भी भेजा है, जिसमें 1 मंत्री रोमानिया भी गए हैं। उन्होंने कहा कि यूक्रेन की सीमा को वो लोग क्यों पार नहीं कर पा रहे हैं, ये क्रॉस चेक किया जाए, क्योंकि यूक्रेन का कहना है कि वो सबको वहां से निकलने दे रहा है। ऐसे में हम यही उम्मीद करते हैं कि ओडेसा की नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी में फंसे ये 250 छात्र भी जल्द से जल्द भारत लौट आएं। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और IBC24 के यूट्यूब चैनल खबर विभाग को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।